अभी हम खड़े हैं सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड के होलमा गांव में। आप ऊपर देख रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होलमा। आपको अंदाज़ा इस बात से होगा कि होलमा दो पंचायत में विभाजित है, पूर्वी और पश्चिमी, और टोटल 36 वार्ड हैं। और 36 वार्ड में इसी के लिए 2002 में तत्कालीन कला एवं पर्यटन विभाग के मंत्री द्वारा 2002 में 4 लाख की लागत से एक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। लेकिन बड़ी दुर्लभ की बात है, एक दिन भी यहाँ एक पेशेंट का एक इलाज भी नहीं होया और एक टैबलेट भी नहीं आवंटित किया गया। आप देख सकते हैं ये ताला लगा हुआ है और इसकी स्थिति देख लीजिए, अंदर कितने घासों से भरा हुआ है और अंदर में भी ताला लगा हुआ है। ये बड़ी ताजुब की बात है, जो लाखों रुपए के लोगों की कमाई, जो गाढ़ी कमाई होती है, नेताओं द्वारा किस तरह बर्बाद कर किया जा रहा है। और उस समय में जब जहां अभी हम अपने परिजनों को साइकिल पर, ठेला पर, टेम्पू पर अपने परिजनों को ले जाने के लिए मजबूर हैं और मरते देख रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति में ये लाखों की लागत से बना हुआ ये स्वास्थ्य केंद्र जर्जर अवस्था में स्थित है। 2002 से ही ये शोभा की वस्तु बनी हुई। हम जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन युवाओं से अपील करना चाह रहे हैं, जो एक लड़ाई हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव ने छेड़ी है, जिसकी सजा भुगत रही है, वो जेल में है। लेकिन आप लोग अपने घर में आराम से एसी में घर में वातानुकूलित होकर बैठे हुए हैं। अब आप लोगों को चुप्पी तोड़ना होगा, अपने लिए ही नहीं, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए। मैं अब आगे हमारे सहयोगी गोलू झा हैं, वो कुछ शब्द बताएंगे। हमारे जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद के मधेपुरा जिला अध्यक्ष बिट्टू जी आज यहाँ आए हुए हैं। वो सही बता रहे थे, जो इस अस्पताल का निर्माण कला एवं संस्कृति मंत्री इसी क्षेत्र से आते थे, इसी विधानसभा क्षेत्र से, अशोक कुमार सिंह के द्वारा 2002 में ही इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया था। 4 लाख की, उस समय की 4 लाख की मोटी रकम के साथ इस अस्पताल का निर्माणाधीन किया गया था। उस समय से आज तक इस अस्पताल में ना ही एक भी डॉक्टर है, ना कोई बेड है। इस कोरोना काल में जब हमारे जन अधिकार के राष्ट्रीय संयोजक राजेश रंजन और पप्पू यादव के द्वारा गरीबों की स्थिति को देखते हुए जो एक लड़ाई छिड़की गई थी, जो मतलब हमें किसी तरह से गरीब को बचाना है।